हेलो नमस्कार, संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निक बताने जा रहा हूं कि किस तरह किसी गाने को हारमोनियम पर निकाला जाए। किसी भी गाने को आप गा सकते हैं, उसके कुछ टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं। इसमें बहुत ही ध्यान से देखें और सुने। और रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर हमेशा ये पता चलता रहेगा कि क्या अपलोड हुआ है, क्योंकि जो भी अपलोड होगा वो आपको किसी न किसी तरह से फायदा जरूर पहुंचाएगा। क्योंकि मेरा मकसद YouTube पर वीडियो डालने का केवल एक है कि आप सभी म्यूजिक से जुड़ सकें और म्यूजिक के कम से कम बेसिक नॉलेज दुनिया में सभी को हो सके। इसके लिए मैं ये चैनल शुरू किया हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, जिससे कि आप इसका पूरा फायदा उठा सकें। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब हम किसी गाने को हारमोनियम पर निकालते हैं तो उसका क्या टेक्निक है। जब कोई गाना हम गाते हैं, एक सिंपल सा गाना हम उठाते हैं, एक भजन ही मान के चलिए, भजन उठाते हैं, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, ये भजन है, जगजीत सिंह जी गाए हैं इसे। अब इसके सभी नोट्स का हम रिसर्च करेंगे कि किस तरह शुरू करते हैं। जैसे देखिए, जय राधा, अब ये पूरा का पूरा एक ट्यून है, तो एक नोट पर होगा। तो मानिए, मान लीजिए कि हम सी शार्प इसको शुरुआत कर लेते हैं, इस पर लेते हैं। अच्छा, ये सी शार्प पर लेने का भी मकसद क्या है, क्योंकि जब हम जय राधा माधव शुरू कर रहे हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल पिच है, वो बहुत जोर से गाया नहीं गया है। जय राधा ऐसे करके नहीं गाया गया है, चिल्ला कर नहीं गाया गया है, बिल्कुल नॉर्मल आवाज में गाया गया है। तो जब हम बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बात करते हैं तो वो अक्सर मध्य सप्तक के सा के आसपास ही आवाज होती है, ठीक है। तो इसके सा को हम चुन लेते हैं जय राधा से। अब देखिए, जय राधा मा, अब मा जो है वो इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो हमें ये सोचना होता है कि ये मा जो है ऊपर की आवाज ऊपर की ओर गई या नीचे की ओर गई। तो उससे फिर अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि आवाज ऊंची गई तो ऊंचे के स्वरों पर रिसर्च करेंगे। जैसे देखिए, जय राधा मा मा, यहां मैच किया तो ये मा यहां पर है। अब अगर हम समझ नहीं पाते हैं तो बजा करके मैच किया जा सकता है, लेकिन अगर हम समझ पाते हैं तो वो सबसे अच्छी बात है। और मैं समझता हूं कि 99% लोग ये जरूर समझ पाते हैं कि आवाज ऊंची गई या नीचे की ओर गई। तो ध्यान दें, जय राधा मा धव, अब धव भी ऊंचा गया, तो धव कितना ऊंचा गया ये हमें अगर समझ में आ जाता है तो हम नोट्स को तुरंत पहचान जाते हैं। अगर नहीं तो आप खोज सकते हैं, जय राधा माधव, यहां मैच किया। ये मैं खोजने का, ये जो एक्टिंग है ये मैं इसलिए किया कि इसी तरह एक स्टूडेंट जो नोट्स को नहीं समझ पाता है वो इस तरह खोज सकता है। अब माँ के बाद जब हम धब बोले थे तो धब बहुत ऊंचा नहीं गया था, बल्कि उसके आसपास था, माधब माधब। अब ये नीचे की ओर आवाज आ रही है तो हम नीचे की ओर जाएंगे, धब ए, ये तो मैं जानता हूं इसीलिए बजा दिया, आपको खोजना पड़ेगा कोई नोट
बार बार आपको चेक करना होगा और तब जाकर के आप शायद खोज पाएंगे। तो ये टेक्निक है नोट्स को निकालने का। तो सबसे पहले आप एक लाइन को निकालेंगे, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। अब यहां देखिए, जय कुंज जो है ऊंचा जा रहा है, जय कुंज जय बिहारी, ठीक है। अब देखिए, जय गोपी, जय यहां पर नहीं है, इससे बहुत ऊंची आवाज है, तो खोजेंगे, जय 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 यहां, जय गोपी। अब आवाज नीचे जा रही है तो नीचे की ओर खोजेंगे, पी पी, थोड़ी सी नीचे है तो बगल वाला स्वर होगा, पी जन ज पी जा जा, यहां है जाना, बल्लभ नीचे आ जाता है, बल्लभ। अब कहां है बल्लभ, बल्लभ यहां है, जय गोपी जन बल्लभ। तो किसी भी शब्द को जब आप बोलते हैं तो उसकी आवाज का जो रेंज है, कितने ऊंचे पर आवाज है, यह हमें समझना पड़ता है। और यह जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, मैं तो यह कहूंगा कि एक गाने को लेकर के आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, यह नहीं कि बहुत सारे गाने पर हाथ फेरते जा रहे हैं, नहीं, किसी एक गाने के नोट्स को खोजने की कोशिश करिए खुद से। हारमोनियम लेकर बैठिए और हारमोनियम पर एक शब्द के में जो आवाज ऊंची नीची जाती है उसको खोजने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको ट्यून सेंस पैदा होगा, जो स्वर का जो लेवल है वो आपको पता चलेगा। और एक टेक्निक और मैं दे रहा हूं इसमें, जैसे देखिए, इसके आसपास अगर हम कहीं हैं, तो जो ये बीच में कॉल आ गया था, सॉरी, फिर से ध्यान दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो आवाज हम लगाते हैं उसके विषय में समझने का। अब मान लीजिए, जैसे अगर हम आवाज कहीं यहां लगा रहे हैं, आ, 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 ये है, आप इसे मान के चलिए मध्य सप्तक का बिगनिंग, जो सारे गामा हम शुरू करते हैं उसके बिगनिंग में ये नोट्स है। थोड़ी सी ऊंची आवाज चली जाती है, प प, अब देखिए सा, ये एकदम नॉर्मल हम बोलते हैं तो सा के पास होता है, और जब हम थोड़ी सी ऊंचे बोलते हैं प, तो ये प के आसपास, तो प म ध नी ध प, ये तीन चार नोट के आसपास आवाज होगी। फिर जब और ऊंची आवाज जाती है, आ आ आ, 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 अब ये जब आवाज इतने ऊंचे पर जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हायर नोट है, तो आपके ऊपर के सा के आसपास आवाज होती है। तो ये है नोट्स के लेवल को पहचानने का तरीका, ठीक है। तो अब इसके आधार पर ये टेक्निक है, और जो पहला टेक्निक मैं बताया हारमोनियम पर किस तरह खोजा जाएगा, इन टेक्निक्स को जोड़ करके आप एक भजन को, एक गाने को, किसी भी गाने को चुन सकते हैं आप। और मैं ये कहूँगा कि कोई बहुत ही सरल गाने को चुने, जैसे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, बिल्कुल सरल
यह है कभी राम बन के कभी श्याम बन के, इस तरह के जो गाने हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल नोट्स है जिसमें, ऐसे गाने को चुनें और कोशिश करें हारमोनियम पर इन टेक्निक्स के सहयोग से निकालने का। तो मैं समझता हूँ आप बहुत जल्दी ट्यून सेंस आप में उभर आएगा और आप किसी भी गाने को हारमोनियम पर निकालने में बहुत ही सक्षम हो सकेंगे। ठीक है, तो इसका आप इस्तेमाल करके देखें, इस तरह से आप प्रैक्टिस करके देखें। अगर आपको फ़ायदा पहुंचता है तो आप कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे बताएं कि कितना फ़ायदा हुआ इसका आपको, और फिर मैं दूसरे वीडियो में आपको और भी टेक्निक्स के साथ मिलूंगा। और एक बात और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, और आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो एक डेडिकेशन रहा है संगीतांजलि म्यूज़िक स्कूल को सुनने में और इसके वीडियो को देख करके जो आपको लाभ हुआ है, जो कमेंट्स आपसे मिला है, उन सब के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के दिन आप सबको बधाई भी देता हूँ और आपको बहुत बहुत प्यार भी देता हूँ कि आपने संगीतांजलि म्यूज़िक स्कूल को आज 1,00,000 सब्सक्राइबर को पार कर दिया। तो संगीतांजलि म्यूज़िक स्कूल के इस सेलिब्रेशन पर ये टेक्निक मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको इसका बहुत बहुत लाभ हो और आप संगीत में बहुत अच्छा कर सकें, इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।